क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड मतलब फिजिक्स की दुनिया कैसी है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे ही आप 10th पास करते हो, 11th में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट जो है चूज करना पड़ता है, चाहे वो आर्ट हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। साइंस में भी दो स्ट्रीम होती है, एक बायोलॉजी वाली स्ट्रीम होती है और एक क्या होती है, मैथ्स वाली स्ट्रीम होती है। ठीक है, तो उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट जो है पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपने साइंस चूज करने का सोचा है या आपको अच्छा लगता है, तो चाहे आप मैथ्स के स्ट्रीम से हो चाहे आप बायो के स्ट्रीम से हो, आपको एक सब्जेक्ट जो पढ़ना है और वो सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स जो है ये कॉमन है। ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में जो है जानेंगे कि ये फिजिक्स की जो दुनिया है ये कैसी है। ठीक है, जैसे क्या होता है, कोई भी मूवी अगर आता है तो मूवी के आने से पहले क्या होता है, उसका ट्रेलर आता है। ठीक है, और आप ट्रेलर देखकर क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि ये जो मूवी जो आने वाला है ये मूवी अच्छा है या बोरिंग है। ठीक है, करते हो। तो उसी तरीके से अगर आपने 11th में मैथ्स या बायो लेकर पढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ने की सोची है, ठीक है, तो ये जो चैप्टर 1 है ये आपके लिए बिल्कुल ट्रेलर ही है। ठीक है, ये पूरा ट्रेलर है। आप 11th में, 12th में, इवन कॉलेज में या अपने लाइफ में फिजिक्स से जो है आप क्या क्या सीखोगे, क्या क्या जानोगे, इसमें फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक पहुंची है, इसका सफर कैसा था, ये ऑल ओवर जो चीजें हैं ये क्या करोगे, आप इसी एक चैप्टर में जो है क्या करोगे, पूरा जान जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो फिजिक्स की जो दुनिया है ये कैसी है, इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है। ठीक है, तो समझ में आएगी। ट्रेलर देखकर मूवी जाते हो, उसी तरीके से आपको चैप्टर 1 पूरा का पूरा ट्रेलर जो है आपको दिखा देगा। ठीक है, और आपको इसमें पूरा ओवरव्यू क्लास 11th का भी मिलेगा और क्लास 12th का भी मिलेगा, और साइंस कहाँ से आया, कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे डेवलप्ड हुआ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री कैसे अलग अलग ब्रांच बने, ये सब चीजें जो है हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री जानते हैं कि साइंस आया कैसे और फिजिक्स आया कैसे। ठीक है, सो देखो, जब हमारा अर्थ का इवोल्यूशन हुआ और अर्थ में जब ह्यूमन बींग्स आया, तो गॉड ने क्या किया, इस पूरी दुनिया को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जब इस अर्थ पर आया तो दुनिया जो है दो पार्ट में गॉड ने डिवाइड करके दी थी। ठीक है, पहला कौन सा था, पहला सा इंटरनल वर्ल्ड और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक है, एक है इंटरनल वर्ल्ड और दूसरा है एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब ये इंटरनल वर्ल्ड क्या है, इसको समझते हैं। इंटरनल वर्ल्ड वो दुनिया है जो हमारे बॉडी के अंदर है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा बॉडी क्या होता है, वर्क करता है कि नहीं। तो इस ये जो हमारे बॉडी के अंदर में जितनी भी ये सब चीजें हैं, ये इनकी एक पूरी दुनिया है। ठीक है, और अगर इस दुनिया में अगर कोई भी चेंजेस होता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो या तो हमको अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के थ्रू या कुछ ना कुछ ऐसा वेज होता है जिसके थ्रू हमको चीजें क्या होती हैं, पता चल जाती हैं कि हमारी अंदर की दुनिया में जो है ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसी तरीके से गॉड ने बाहर की दुनिया को समझने के लिए क्या किया है, हमको जो है 5 सेंस ऑर्गन्स दिए। ठीक है, हमको 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं जिससे हम लोग दुनिया को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इसके बारे में और भी नई नई चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, सो देखो, सबसे पहला सेंस ऑर्गन है हमारा ईयर, कान, जिससे हम लोग चीजों को सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो आवाज है ये कहाँ से आ रही है, कैसी आवाज है, अच्छी है कि बुरी है, ये किसकी आवाज है, बर्ड्स की है कि एनिमल्स की है कि ह्यूमन बींग्स के है। तो इसको समझने के लिए गॉड ने हमको एक सेंस ऑर्गन दिया है, ईयर। ठीक है, फिर दूसरा, चीजों को स्मेल करने के लिए गॉड ने हमको एक और सेंस ऑर्गन दिया है, नोज, जिससे हम लोग किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कैसा है, अच्छा है कि खराब है। तो दूसरा सेंस ऑर्गन क्या हो गया, नोज हो गया। ठीक है, तीसरा सेंस ऑर्गन है हमारा आई। ठीक है, आई से हम लोग क्या करते हैं, आई जो है क्या है, गॉड का दिया हुआ एक वंडरफुल गिफ्ट है जिससे हम लोग इस कलरफुल वर्ल्ड को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब चीजें जो है हम लोग अपने आई से क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, कहीं अंधेरा है कहीं उजाला है, ये सब चीजें हम लोग अपने आईज के थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर
चीजों को टेस्ट करने के लिए मीठा है कि खराब है कि कड़वा है, इसके लिए गॉड ने हमको एक और चीज दिया है, टंग, ठीक है, जीभ, ठीक है, जीभ, जीभ बोलते हैं, ठीक है। तो जीभ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि कोई सा चीज अच्छा है कि खराब है कि कैसा है, ठीक है। अच्छा है तो हम लोग और खा सकते हैं, बुरा है तो हम लोग बोलेंगे कि अच्छा नहीं है करके, ठीक है। तो ये जो है हमारा जीभ जो है फोर्थ सेंस ऑर्गन हो गया। फिर उसके बाद लास्ट गॉड ने हमको एक और सेंस ऑर्गन दिया बाहर की दुनिया को समझने के लिए, और वो है स्किन, ठीक है। स्किन के थ्रू हम लोग टच करके ये बता सकते हैं कि कोई चीज ठंडी है कि कोई चीज गर्म है, कोई चीज हार्ड है कि कोई चीज सॉफ्ट है। तो स्किन से हम लोग किसी का हॉटनेस या कोल्डनेस जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये दो दुनिया जो है। तो इंटरनल दुनिया के बारे में तो आप पूरा का पूरा किसमें पढ़ोगे, बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। उसके ये जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स जो है वो क्या है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है। इसी एक्सटर्नल वर्ल्ड का दूसरा नाम यहाँ पर चैप्टर के नाम में दिया हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड, समझ में। तो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, फिजिकल वर्ल्ड में। जो आगे समझ में ये चीज, ठीक है। देखो मैं आपको चैप्टर वन बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि फिजिक्स जो है कैसा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप बड़े प्यार से इसको सुनते रहो, अच्छी अच्छी स्टोरीज समझ में आएगी। देखो मैं मानता हूं कि फिजिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको टीचर अच्छा अगर मिला है तो फिजिक्स जो है सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आता है, स्टोरीज बनती है इसमें, ठीक है। किसी भी चीज को समझने के लिए स्टोरीज मिलती है, और अगर आपको अच्छा टीचर अगर नहीं मिला है तो डेफिनेटली फिजिक्स जो है क्या है, एक बोरिंग सब्जेक्ट है, एक टफ सब्जेक्ट है। तो आप, मैं कोशिश करूंगा आपको कि आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है इसको मैं आपके लिए बोरिंग ना होने दूं, आपके लिए स्टोरीज वगैरह जो है अच्छे से बीच बीच में जो है इसको कनेक्ट करके मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड ही क्या है, हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जो चीज हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर सेंस कर सकते हैं, ये हमारी दुनिया है, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि साइंस जो है आया कैसे, ठीक है, साइंस का नॉलेज हमको आया कैसे और हमने अलग अलग ब्रांचेस जो है कैसे डिसाइड की, ठीक है। सो देखो साइंस आया कैसे, इसके लिए भी एक स्टोरी समझते हैं और इसका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। जब ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हो रहा था तो ह्यूमन बींग्स रोज नई नई चीजें क्या कर रहा था, सीख रहा था। जैसे ह्यूमन बींग्स पहले क्या थे, बोलते हैं मंकी थे, करके चार पैरों पे चलते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन हुआ, दो पैरों पे खड़ा हुआ, फिर उसके हाथ मूवमेंट करना चालू किए, फिर उन्होंने क्या किया, दो पत्थर को स्ट्राइक करके जो है फायर का जो है क्या किया, इवोल्यूशन किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया ह्यूमन बींग में, और डेवलपमेंट होते होते उनको जो है बहुत सारी चीजें जो है पता चलती गई। कैसे पता चलती गई, ये देखो, एक आदमी क्या था, एक आदमी ने देखा कि जो वाटर है और रिवर में पानी जो होता है वो हमेशा ऐसे ऊंचे हाइट से जो है हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ जो है गिरता है। वो रोज सुबह उठता था और इसको देखता था कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जो है जाती है। अब उस आदमी ने इसको ऑब्जर्व किया और देखा और लोगों को जाकर बताया, बाकी लोगों को, कि मैंने आज एक ऐसा चीज देखा जिसमें देखो पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रही थी, जा रही थी। तो इससे लोगों को पता चल गया कि पानी ऊंचे साइड से क्या होता है, नीचे की तरफ जो है जाता है, ठीक है। फिर किसी एक आदमी ने यह देखा कि जो सन है वो हमेशा एक डायरेक्शन से क्या होता है, सुबह निकलता है और शाम होते होते इधर जाकर उसका लाइट क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। इधर लाइट जो है जलना चालू होता है, जैसे ही शाम होता है ये लाइट क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। फिर पता नहीं रात को उसके अंदर में कहां से एनर्जी आती है, लेकिन फिर से सुबह वो सन जो होता है वहीं से निकलता है, फिर यहां डूबता है, फिर यहां निकलता है, फिर यहां डूबता है। उस दूसरे आदमी ने क्या किया, फिर से क्या किया, लोगों को जाकर बताया कि देखो सन क्या होता है, एक डायरेक्शन से निकलता है, उसके बाद लाइट लेते 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 जाता है, फिर उसकी एनर्जी कम होती जाती है और फिर बुझ जाता है, फिर सुबह होती है, फिर सूरज निकलता है, फिर डूबता है। तो ये क्या हो गया, इसने दूसरा नॉलेज बताया, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया, जानना सीखा, नेचर को देखना सीखा, नेचर के फिनोमिनास को जो है समझना सीखा, और इस तरीके से लोगों को जो है नॉलेज जो है प्रोवाइड करते गए। तो उस समय ये नॉलेज जो प्रोवाइड कराते थे उनको हम लोग बोलते थे फिलोसोफर बोलते थे, ठीक है, उनको क्या बोलते थे, फिलोसोफर। और जो चीज उन लोग बताते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, फिलोसॉफी बोलते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होते गया, धीरे धीरे ये हुआ
कि बहुत सारा नॉलेज हमारा क्या होते गया, एक्यूमुलेट होते गया। रोज नए नए लोग नए नई जानकारी जो है लेकर आते थे, कोई कोई अर्थ के बारे में लेकर आता था, कोई सन के बारे में लेकर आता था, कोई रिवर के बारे में लेकर आता था, कोई ट्रीज के बारे में लेके आता था, कोई एनिमल के बारे में लेके आता था। तो ऐसे जो है क्या हो गया, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज क्या होते गया, एक्यूमुलेट होते गया। ठीक है, तो क्या हुआ, नॉलेज जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसको स्टडी करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, मान लो अभी आपके पास दो ही तीन नॉलेज है, मान लो जैसे कि अभी आपको 5-6 सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ता है। अब मान लो अगर आपको 1 साल में 100 से 200 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होगा कि नहीं। तो उसी तरीके से जब नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया कि वो पूरे नॉलेज का जो है जानकारी रख सके। तो इसी के लिए लोगों ने क्या किया, इस नॉलेज को जो है अलग अलग पार्ट में जो है तोड़ना चालू किया और डिवाइड करके पढ़ना चालू किया। जैसे मान लो आपके घर में एक शादी है और उसमें एक बहुत बड़ा लड्डू बना हुआ है। ठीक है, शादी वगैरह में जो है स्वीट्स वगैरह बनते हैं, मान लो बहुत बड़ा लड्डू बना हुआ है। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, एक अकेला आदमी तो नहीं खा सकता। तो अगर एक अकेला आदमी नहीं खा सकता तो इसको लोगों में बांटना पड़ेगा, और लोगों में बांटोगे कैसे, इसको तोड़ के, ताकि सब लोग खा सके। उसी तरीके से जब नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया तो उसको हमने तोड़ना चालू किया, और हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में जो है हमने उसको तोड़ना स्टार्ट किया। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, जैसे एक आदमी ने बोला कि मेरे को जो है ह्यूमन बॉडीज के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता है, कि ह्यूमन के 5 फिंगर्स क्यों हैं, 2 हाथ क्यों हैं, 2 कान क्यों हैं, मेरे को उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, उसने बोला। तो हमने उसको एक पूरा का पूरा ब्रांच दे दिया, लो भाई तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में जाओ पढ़ो, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने दिया बायोलॉजी। ठीक है, एक आदमी ने बोला कि मेरे को नेचर में जो होता है, नेचर में जो चीजें दिखती हैं, जैसे बारिश होता है, पानी ऊपर से नीचे जाती है, सन निकलता है, सन डूबता है, मेरे को इसके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके बारे में पढ़ाई करूंगा। तो हमने उसका नाम दे दिया, एक सेपरेट ब्रांच बना के बोला कि जाओ भाई तुम इस पर स्टडी करो और इस पर पढ़ो, उसका नाम हमने क्या दे दिया, फिजिक्स दे दिया। ठीक है, एक आदमी बोला कि मेरे को जो है दो चीजों के जुड़ने से तीसरा चीज जो बनता है उसको बनाने में मजा आता है, तो उसको हमने बोला जा भाई तुम इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो, और उसको हमने क्या दे दिया, केमिस्ट्री नाम दे दिया। ठीक है, किसी और ने बोला कि मेरे को सन अर्थ मून इन सब के बारे में जो है स्टडी करना अच्छा लगता है, तो उसके लिए हमने अलग ब्रांच बना दिया। इस तरीके से हमने नॉलेज को क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, समझ में आ गया, और साइंस के जो है अलग अलग जो है ब्रांचेस क्या हो गए, बन गए। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले साइंस को डिफाइन करें, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज साइंस, तो साइंस का मतलब होता है नॉलेज, और वो नॉलेज कैसा होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई नॉलेज अरेंज्ड है प्रॉपर ऑर्डर में तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉपर ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इंग्लिश बोलने के लिए पहले आपको अल्फाबेट्स का नॉलेज होना चाहिए, ABCD, उसके बाद इन ABCDs का यूज करके आपको वर्ड्स बनाने आने चाहिए, फिर वर्ड्स के मीनिंग आपको बताने आने चाहिए, फिर वर्ड्स के बाद आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, तब जाकर आप एक परफेक्ट इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर ऑर्डर है, पहले ABCD सीखोगे, फिर वर्ड सीखोगे, फिर उसका मीनिंग सीखोगे, फिर सेंटेंस बनाओगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर बोलोगे। ऐसा तो नहीं है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इंग्लिश बोलते हैं फिर उसके बाद वर्ड्स बनाते हैं फिर ABCD सीखते हैं। ऑर्डर तो प्रॉपर है ना, ABCD पहले सीखेंगे, आपको छोटे क्लासेस में वही सिखाया जाता है, तो वही चीज जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर में क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए वो नॉलेज। अगर कोई नॉलेज अगर प्रॉपर ऑर्डर में अगर अरेंज है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो साइंस कैसे हम लोगों के पास आए, समझ में आ गया। ठीक है, तो जब हमने नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसमें एक पार्ट हमारा क्या बना, फिजिक्स बना, और उसी पार्ट के बारे में जो है हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि फिजिक्स क्या था, हमने देखा कहाँ से इसका एवोल्यूशन हुआ, कैसे बायोलॉजी बना, कैसे केमिस्ट्री बना, ठीक है, कैसे जो है मैथ्स बना, ये सब चीजें जो है आप वहां पर देखोगे। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं, हम लोग वापिस आते हैं फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो साइंस का तो डेफिनेशन बता दिया मैंने आपको, कि साइंस जो होता है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है। ठीक, वो नॉलेज प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज होना चाहिए।
अब आते हैं फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको देखो साइंस के बारे में बताया, साइंस का डेफिनेशन जो है, साइंस इज ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिंसिया, क्या बोलते हैं इसको, साइंटिसिया, मीनिंग टू नो, इसका मीनिंग होता है जानना, ठीक है। द संस्कृत वर्ड विजनाम एंड द अरेबिक वर्ड लीन, ये बहुत सारे आपको दिया हुआ है कि साइंस का वर्ड कहाँ से आया। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज या फिर जानना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। तो फिजिक्स क्या होता है, देखो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का मतलब क्या है, नॉलेज, नॉलेज उस बड़े से नॉलेज का एक छोटा सा पार्ट कौन सा है, फिजिक्स है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचर के बारे में और नेचर में होने वाले फिनोमिनास के बारे में। अब फिनोमिना क्या होता है, तो जैसे शुरू में लोगों ने बोला कि नहीं कि सन इधर से निकलता है इधर डूबता है, पानी ऊंचे हाइट से नीचे हाइट में जाता है, तो ये सब नेचर और नेचर में होने वाले फिनोमिना का स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। समझ में आ गया, ठीक है। सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमिना, ठीक है। नेचर और नेचर में होने वाले फिनोमिनास के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो नेचर में क्या क्या फिनोमिनास होते हैं, ठीक है। तो नेचर में बहुत सारे फिनोमिनास होते हैं, जैसे हर साल क्या होता है, 12 महीने में से 3 से 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, पानी जो है गिरता है। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं कि इन 3 से 4 महीने में ही ऐसा क्या जादू हो जाता है जिससे क्या होता है, बारिश जो है होती है। इससे पहले तो भी तो बादल तो रहते हैं लेकिन बारिश क्यों नहीं होती है। तो ये 3-4 महीने ऐसा होता है क्या जिसमें बादल में पंचर हो जाता है और पानी गिरता है वहां से, तो ये सब के बारे में हमको जानना था। ऊपर से हमको ये जानना था कि हमको जो रैम्बो दिखते हैं वो रैम्बो क्यों दिखते हैं, पानी हमेशा ऊंचे हाइट से नीचे हाइट में क्यों जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है नेचर में होने वाले फिनोमिनास थे, इसी के बारे में हमको क्या करना है, फिजिक्स में जो है स्टडी करना है। समझ में आ गया, बरसात क्यों होती है, सनलाइट क्यों होता है, ठीक है। अब इसका स्टडी करने से फायदा क्या होगा, तो इसका स्टडी करने से फायदा ये होगा कि हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अगर हमने देखा कि साल में जो है जून से लेके अक्टूबर तक का महीना ऐसा महीना होता है जिसमें पानी जो है बहुत ज्यादा गिरता है, तो ये नॉलेज अगर हमने पता कर ली तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले साल फिर से जून में इस तारीख से क्या होगा, बारिश जो है हो सकता है। तो अगर हमको पता चल जाएगा कि बारिश हो सकता है करके, तो उस हिसाब से हम लोग अपनी एक्टिविटीज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे न्यूज में आजकल आप लोग देखते हो कि आने वाले 3 दिनों तक जो है भारी आंधी तूफान होने की जो है क्या है, संभावना है, ऐसा न्यूज में आता है। तो वो तो गॉड नहीं है, उन लोग पता कैसे कर लेते हैं कि 3 दिन बाद एग्जैक्ट बारिश होने वाली है करके, ठीक है। तो क्या करते हैं, नेचर का स्टडी करते हैं, ठीक है, नेचर के बिहेवियर का स्टडी करते हैं। अगर आप एक बार नेचर को समझ गए तो उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्शन जो है कर सकते हो, ठीक है। और मोस्टली जो साइंटिस्ट के प्रिडिक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। देखे होगे न्यूज़पेपर में 1 तारीख से बारिश होगी बोलते हैं, 1 तारीख को बारिश हो जाती है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, नेचर को स्टडी करने से जो है पता चलता है, ठीक है। और क्या फायदा होंगे नेचर को स्टडी करने से, नेचर को स्टडी करने से हम लोग अपनी एक्टिविटीज को कर सकते हैं। जैसे जो फिशरमैन होते हैं, ठीक है, फिशरमैन जो फिश का काम करते हैं उनको क्या होगा, पता चल जाएगा कि आज समुद्र में जाएंगे तो खतरा है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आंधी तूफान आने वाला है, तो वहां पर हमारी नाव, हमारी बोट्स क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं, तो उनके लाइफ को भी हम लोग बचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे फायदे होते हैं नेचर को स्टडी करने से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नेचर को हम लोग स्टडी कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग बोलेंगे कि हमने नेचर का स्टडी किया और हमारे स्टडी जो है सही है। अब अगर कुछ तरीका नहीं होगा तो कोई कुछ भी बोल देगा कि जैसे कि मैंने आज सपना देखा कल बारिश होगी, तो इसका कोई लॉजिक है क्या? आपको अगर बारिश होगी बताना है कि बारिश हो सकती है कल, तो उसके लिए आपको कुछ उसके सबूत देने होंगे कि देखो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा जो है होता है। अब कोई भी मुंह उठा के आके तो नहीं बोल देगा कि कल बारिश होगी और हम लोग उसकी बात को मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या तरीका होना चाहिए जिससे हम लोग नेचर को स्टडी करें और प्रिडिक्शन कर सकें ताकि लोगों को सही लगे कि हाँ ये जो बात है ये सही है, ठीक है। तो रूल्स बनाने के लिए और लॉ बनाने के लिए और नेचर को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो है एक मेथड होता है, ठीक है। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक
मेथड। इस साइंटिफिक मेथड्स में हमारे पास क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगर उन स्टेप्स को अगर हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करते जाएं और अगर हमारे पांचों या छह स्टेप्स अगर सही हो जाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रिडिक्शन होगा वो बिल्कुल हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन जो भी रूल्स आप दुनिया को बताने जा रहे हो, जो भी फिलोसॉफी आप बताने जा रहे हो, वो साइंटिफिक मेथड से होकर गुजरना चाहिए, ठीक है। जैसे मैथ्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। इस स्टेप के बाद इस स्टेप को करना है, बोर्ड मास का रूल, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एक प्रॉपर जो है क्या होता है, मेथड होता है कि नहीं। तो उसी तरीके से नेचर के बारे में समझने के लिए और नेचर से रिलेटेड रूल बनाने के लिए हमारे पास मेथड है, साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है। चलो अब साइंटिफिक मेथड का सबसे पहला जो स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। नोट करते जाना, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। तो मैं सिर्फ मेथड्स का नाम लिखूंगा, आप कॉपी निकालो और आपको इसमें जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे वो चीज जो है आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है। जैसे मैंने साइंस का डेफिनेशन बताया, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, फिजिक्स का डेफिनेशन बताया क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं साइंटिफिक मेथड्स का सबसे पहला स्टेप जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेचर में कोई चीज अगर हो रही है तो उसको हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व कैसे करते हैं, देख के, ठीक है। जैसे रेनबो जो होता है वो पानी गिरता रहता है थोड़ा थोड़ा और सन निकला हुआ रहता है, तभी हमको क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। हमने बार 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 इस चीज को क्या किया, हमने देखा, ठीक है। पानी ऊंचे हाइट से नीचे हाइट तक आता है, ये हमने देखा। रोज सुबह मैं उठता हूँ, नदी किनारे जाता हूँ और देखता हूँ कि पानी हमेशा ऊंचे हाइट से कहाँ जा रही है, नीचे हाइट में जो है जा रही है। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। उसके बाद साल भर में 3 महीने ऐसे होते हैं जहां पर गर्मी होती है, 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें बरसात होती है, तो उस चीज को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर भी जब दवा लिखता है तो वो चेकअप करता है, पहले ऑब्जर्व करता है कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, कहां पर दिक्कत है, तो उसको ऑब्जर्व करता है। तो इसी तरीके से साइंटिफिक मेथड में भी अगर आप नेचर को समझना चाहते हो, रूल्स बनाना चाहते हो, तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, आप चीजों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। और ये साइंस की ही बात नहीं है, ये लाइफ की भी बात है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम का ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है। आप साइंटिफिक मेथड को जो है अपने लाइफ में भी जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है हमारा एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो चीज जो है हमने देखी, ऑब्जर्व की, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, फिर से करके देखेंगे कि जो चीज मैंने देखा क्या मैं वो चीज अपने घर में या अपने लैब में कर सकता हूं कि नहीं। मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो ऑब्जर्वेशन का क्या करना, कॉपी करना, ठीक है। जैसे हमने देखा पानी ऊंचे हाइट से नीचे हाइट में जाती है, तो मैंने क्या किया, एक ट्यूब लिया और उस ट्यूब में मैंने क्या किया, पानी डाला। इधर से मैंने पानी डाला, मैंने देखा यहां से पानी नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, तो दोनों का लेवल सेम है। तो फिर मैं तालाब के पास गया और फिर देखा कि ये पानी नीचे क्यों जा रही है, तो हमने देखा कि एक एंड ऊपर है और दूसरा एंड क्या है, नीचे है। अब मैंने इस पाइप को ऐसा टिल्ट किया, अब मैंने यहां से पानी डाला तो मैंने देखा कि यहां से पानी जो है फ्लो होके निकल गया, है कि नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हमारा हो गया, जो चीज हम लोग देखते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। एक और चीज देखते हैं हम लोग, सन हमेशा इधर निकलता है तो कुछ दिन होता है, फिर रात हो जाता है, फिर दिन होता है, फिर रात होता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए क्या किया, हमने एक फुटबॉल लिया और हमने क्या किया, एक टॉर्च लिया, ठीक है। टॉर्च को हमने जलाया और जलाकर हमने देखा और इस बॉल को हमने घुमाया, ठीक है, तो हमने देखा कि हाँ एक साइड जो है लाइट पड़ती है और दूसरे साइड लाइट नहीं पड़ती है। तो पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर इसको हमने क्या किया, इसको जो है स्टडी किया कि सन जो है क्या होता है, घूमता है या अर्थ घूमता है, ये तो हमको पता नहीं था, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज जो है घूमती है।
क्यों कैसे? देखो, अगर लाइट को अगर फिक्स करोगे और बॉल को घुमाओगे तभी भी एक साइड लाइट पड़ेगा और दूसरे साइड नहीं पड़ेगा। अगर बॉल को फिक्स करके इस लाइट को घुमाओगे तब भी वैसा होगा। तो एक चीज तो हमको पता चल गया कि या तो अर्थ घूमता है या फिर सन घूमता है। और ये हमको कैसे पता चला? पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर घर में आके या लैब में आकर हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंट करना रहता है। ठीक है, कोई भी चीज आप देख रहे हो उसको आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट जो है करो। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप हमारा होता है, जो हमने जो है इसको क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट का अब हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। सो साइंटिफिक मेथड में जो तीसरा स्टेप है वो है एनालिसिस करना। ठीक है, अब जो भी चीज आप करोगे उसका तो एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा आपको, कि क्या चीज आपने देखा, क्या चीज, जैसे आप प्रैक्टिकल भी लिखते हो तो वहां पर लिखते हो कि नहीं एनालिसिस, या फिर रिजल्ट करके, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस में जो है हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप की जो है एनालिसिस जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब उसकी क्वालिटी क्या थी। ठीक है, ऐसा क्या चीज था जो उसकी क्वालिटी थी। जैसे हम लोग पानी वाला एग्जांपल लेते हैं, ट्यूब जब ऐसा रहता है तो इसमें क्या होता है, पानी जो है चले जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पानी की जो है फ्लो होने की एक क्वालिटी है। तो हमने देखा कि वाटर जो है उसकी एक क्वालिटी है कि वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। समझ में आ गया? तो हमने एनालिसिस किया, उसके बाद हमने और भी चीजों को देखा कि क्या वाटर जैसा कोई और चीज होता है जो कि फ्लो कर सकता है। तो हमको मिले, पेट्रोल मिले, डीजल मिले, केरोसिन मिले, ऑयल्स मिले, ये सब क्या होते हैं, फ्लो होते। ठीक है, तो हमने पहला क्या देखा इसमें, इसमें हमने देखा क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहला क्या देखा हमने इसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर दूसरा है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटी में तो हमने क्या देखा कि क्वालिटी कैसी है, किस चीज की, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, जैसे सन और लाइट, सन और अर्थ, क्यों दिन और रात होता है, तो वहां पर हमने देखा कि एक क्वालिटी है, या तो अर्थ की क्वालिटी है या फिर उस लाइट की क्वालिटी है जो कि घूमता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी है। अब हमने फिर क्या किया, उसकी क्वांटिटी, उसको हमने क्या किया, क्वांटिटेटिव के बेसिस पर एनालिसिस किया। क्वांटिटेटिव के बेसिस पर क्या होता है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, सम नंबर्स। अब ये क्या है, देखो जैसे दो पाइप हमने लिया, एक पाइप जो है इतना टिल्ट करके रखा था हमने, दूसरा पाइप जो है हमने उसको इतना ज्यादा टिल्ट करके रखा था। ठीक है, और तीसरा पाइप को जो है हमने इतना टिल्ट किया, तीनों में हमने पानी डाला और देखा कि किसमें पानी सबसे ज्यादा है। तो हमने देखा इसमें डाला तो इसमें पानी ज्यादा स्पीड से नहीं निकला, फिर हमने देखा कि इसमें जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड से निकला, फिर जब हमने इसमें तीसरे वाले पाइप में देखा तो पानी जो है सबसे ज्यादा स्पीड में निकल रही थी। क्यों निकल रही थी? तो अब हमने तीनों का जो है क्वालिटेटिव देख, क्वालिटी तो हमको पता चल गया था कि पानी की फ्लो होने की क्वालिटी है। अब क्वांटिटी में हमको पता चला कि ये वाला एंड, नीचे वाला एंड और ऊपर वाला एंड में जितने हाइट का डिफरेंस होगा, पानी उतना ही स्पीड से क्या होगा, फ्लो होगा। तो अब हमने बता दिया कि पानी की फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है हाइट पर। और हाइट जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना जो है उसमें चेंजेस आते जाएंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है हमने कर लिया। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये था कि अब कितना स्पीड से पानी निकलेगा, या कितना हाइट पर मैं रखूं, जैसे मैं चाहता हूं कि यहां से अगर मैं 10 लीटर पानी डालूं तो 10 लीटर पानी जो है 2 सेकंड के अंदर में जो है यहां से पूरा निकल जाना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए कि इसकी हाइट को मैं कितना रखूं। तो हाइट को मैं कितना रखूं इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ मैथमेटिक्स जो है यूज करना पड़ेगा कि जब 1 मीटर हाइट रहता है तो इतना सेकंड में पानी निकलता है, 2 मिनट हाइट रहने से इतना सेकंड में पानी निकलता है। तो इस तरीके से मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ मैथमेटिक्स जो है, कुछ मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा, और उस मैथमेटिक्स का यूज करना यहां पर कहलाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग कहलाती है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप क्या है साइंटिफिक मेथड का, मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग।
अब मैथमेटिकल मॉडलिंग में मैं क्या करूंगा, मैथमेटिक्स का यूज करूंगा और मैथमेटिक्स का यूज करके जो है मैं उसके लिए एक मॉडल बनाऊंगा। जैसे मैंने क्या किया, नेचर को स्टडी किया, नेचर को स्टडी करके मैंने टाइम का स्टडी किया, स्पीड का स्टडी किया, डिस्टेंस का स्टडी किया और फिर मैंने क्या किया, एक मैथमेटिकली मॉडलिंग बना दी। जैसे मैंने बता दिया मैथमेटिक्स का मॉडलिंग यूज करके कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने ये नेचर से जो है ऑब्जर्व किया है। ठीक है, ये हो गया एक मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, अब इस मैथमेटिकल मॉडलिंग का फायदा क्या होगा, तो देखो मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम लोग ये बता सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आप आपकी जो है आपको जाना है मान लो 200 किलोमीटर जो है आपको जाना है, ठीक है, और अगर आपकी स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर की, तो आपको कितना टाइम लगेगा, तो इस मैथमेटिकल मॉडलिंग को यूज करके आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको कितने घंटे लगेंगे, आपको 4 घंटे जो है लगेंगे। ठीक है, ये मेरा मैथमेटिकल मॉडलिंग है। अब जरूरी नहीं है कि मेरा मैथमेटिकल मॉडलिंग सही हो जाएगा, लेकिन मैंने नेचर को जितना समझा, मैंने नेचर को जितना जाना, उसके हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है उसके हिसाब से मेरे को ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और अगर सब चीज आइडियल रहा, बीच में सड़क खराब नहीं हुआ है, आपकी बाइक पंचर नहीं हुई है, पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको पहुंचने में 4 घंटे जो है लग सकते हैं। ये हमने एक मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी। ठीक है, मैथमेटिक्स के टर्म्स में इसको हमने क्या किया, बता दिया कि ऐसा होगा तो इतना होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमने वाटर वाले में देखा कि 10 लीटर पानी को 2 सेकंड में अगर हमको फ्लो कराना है तो हमको उसके लिए क्या पता होना चाहिए, उस पानी का जो है काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए, उसका पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए, तो हमने उसके लिए भी फॉर्मूला बना दिया। जैसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने MgH बना दिया, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने क्या बना दिया, ½mv² बना दिया, और हमने बोला कि जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है उतना ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका मतलब क्या है, आप पानी को जितना ज्यादा हाइट से डालोगे वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्पीड से जो है नीचे जाएगा। ठीक है, ये हमने इसके लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी और फिर हमने एक इक्वेशन बना दिया इन सब को यूज करके। कैसे यूज किया हमने, हमने मोशन का यूज किया और v इज इक्वल टू u प्लस हमने at बना दिया। v क्या है, फाइनल स्पीड है, u कितना है, आप पानी को कितना स्पीड से डाल रहे हो, a क्या है, कितना स्पीड से उसका एक्सेलरेशन हो रहा है और कितने टाइम तक हो रहा है, तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, फाइनल स्पीड पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है हमने कर दी। समझ में आ गया, अब ये हमारा मैथमेटिकल जो मॉडलिंग है, अब इसके 2 कंक्लूजन हो सकते हैं। आपने जो मैथ्स में जो है मॉडलिंग की है, फॉर्मूला बनाया है, वो 2 चीज हो सकता है, या तो ये सही हो सकता है या तो ये गलत हो सकता है। तो आप अपने मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पर आप क्या करोगे, प्रिडिक्शन करोगे। ठीक है, आपने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद आपने इसका प्रिडिक्शन करना है। ठीक है, जैसे पंडित के पास जब आप जाते हो तो क्या करता है, वो हाथ को देखता है, आपका नक्षत्र को देखता है, दुनिया भर की चीजों को देखता है और आपको बताता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में, जो है ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है। अब वो प्रूव होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन पंडित क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है कि नहीं। तो उसी तरीके से जब हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लेते हैं, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रिडिक्शन करते हैं कि देखो भाई इतना मैंने स्टडी किया है और मेरी स्टडी के हिसाब से ऐसा आपको लगेगा। अगर आप 200 किलोमीटर जाना चाहते हो और अगर आपकी स्पीड अगर चेंज नहीं होती है तो आप 4 घंटे में पहुंच जाओगे, ये हमने प्रिडिक्शन कर दिया। ठीक है, हमने प्रिडिक्शन कर दिया। अब ये जो प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्शन हमारे लिए 2 रिजल्ट दे सकता है, या तो ये ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन और वेरिफिकेशन। ठीक है, या तो ये सही हो जाएगा या तो गलत हो जाएगा, तो फॉल्सिफिकेशन, सही हो जाएगा तो वेरिफिकेशन। ठीक है, अब वेरिफिकेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, वो रूल बन जाएगा। अगर आपने 4 घंटे में बोला है कि 4 घंटे में पहुंच जाओगे और अगर वो आदमी 4 घंटे में पहुंच जाता है, मतलब ये आपका पूरा का पूरा स्टडी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, एकदम ट्रू है। अब ये लॉ बन जाएगा, एक मेथड बन जाएगा, एक रूल बन जाएगा। अगर वहीं पर वो 4 घंटे में अगर नहीं पहुंचता है तो आपका पूरा का पूरा स्टडी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स हैं नेचर को स्टडी करने के, उसके बेसिस पर रूल्स बनाने के। अगर आप भी कोई नया चीज बनाना चाहते हो, अपने नाम से रूल बनाना चाहते हो, क्यों न्यूटन्स लॉ ही पढ़े,
क्यों ना आप अपने नाम का जो है लॉ पढ़े, ठीक है। तो आप अगर 6 स्टेप से गुजर सकते हो, अपने नॉलेज को गुजार सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, तो आपका रूल जो है बन सकता है। समझ में आ गया? तो ये है साइंटिफिक मेथड के 6 स्टेप्स। अब एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं एक एग्जांपल को लेकर। जैसे साल में जो है 3 महीने बारिश क्यों होती है, इसी एग्जांपल को एक दो एग्जांपल और लेकर समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या बारिश क्यों होती है उसके लिए, हमने उसको समझने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, उसको ऑब्जर्व किया। हमने 2 साल 3 साल तक ऑब्जर्वेशन किया और हमने देखा कि जो बारिश जो होती है और उसके पहले के मौसम में एक चीज का डिफरेंस होता है। क्या चीज का डिफरेंस होता है कि बारिश स्टार्ट होने से पहले गर्मी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। गर्मी का मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से पानी जो होता है तालाब का वो क्या होता है, कम हो जाता है, वो पानी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्वेशन किया और ये एक दिन या दो दिन का ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये कई सालों का ऑब्जर्वेशन है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ लेते हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, बड़ा मजा आता है, 10 मिनट में 15 मिनट में पढ़ लेते हो, लेकिन उस लॉ को बनाने के लिए न्यूटन ने अपने कितना टाइम वेस्ट किया होगा या कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है। तो किसी का रूल, किसी का मेहनत जो होता है उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है, ठीक है। तो हमने 3 साल 4 साल तक ऑब्जर्वेशन किया और हमको ये ऑब्जर्वेशन से पता चला कि बारिश होने से पहले ऐसा ऐसा होता है। फिर उसको हमने आकर घर में जो है क्या किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया, उसको कॉपी किया। अब हमने कॉपी कैसे किया, तो हमने क्या किया, एक बर्तन लिया और उस बर्तन में हमने पानी भर दिया और इस बर्तन को हमने नीचे से क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया। यहां से भाप बना, भाप जो है ऊपर गया। अब हमने पता किया कि ऊपर से पानी नीचे क्यों आता है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ऊपर में बादल है, ठीक है, बादल जो है उसको रोकता है, तो हमने इस भाप के ऊपर में एक बर्तन लगा दिया, ठीक है, ऊपर में जो है हमने एक बर्तन लगा दिया। अब हमने देखा कि ये जितने भी भाप जो थे ये सब इसके बर्तन के नीचे में जो है इकट्ठा होते गए और थोड़ी देर बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में कन्वर्ट हो गए और हमने देखा कि ये धीरे 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 क्या हो रहे हैं, पानी की बूंदे जो है नीचे आ रही है। तो हमने उसको लैब में क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और यही चीज होता है नेचर में कि वाटर जो है वेपर बन के ऊपर जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है ठंडा होने लगता है, बादल में जाता है तो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और वो नीचे गिरने लगते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब अगला स्टेप क्या था, हमको उसका एनालिसिस करना था, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया अभी उसका हमको एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस हमने क्या किया, पहला तो हमने एनालिसिस किया उसका क्वालिटी। क्वालिटी एनालिसिस में क्या किया हमने, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बनता है और भाप हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर में ठंडा होने के बाद वो नीचे आता है। ये इसकी क्वालिटी है कि गर्म चीज कहाँ जाती है ऊपर, ठंडी चीज कहाँ आती है नीचे। ये हमने उसका क्वालिटी एनालिसिस कर लिया, ठीक है। फिर सेकेंड है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब कुछ नंबर्स, कुछ क्वांटिटी के टर्म्स में। तो हमने क्वांटिटी के बेसिस पर देखा कि पानी जो होता है वो हर केस में भाप नहीं बनता है, उसके लिए एक फिक्स्ड क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। उसका हमने क्वांटिटी किया कि इतना गर्म करोगे तो इतना भाप बनेगा, इतना गर्म करोगे इतना भाप बनेगा, ठीक है। तो ये है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे करेंगे, तो इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे कि जैसे 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा वेपर बनेगा, वेपर में जैसे जैसे ऊपर उठते जाएगा तो हर 6 किलोमीटर में जैसे ही ऊपर जाएगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस जो भी होता है वो कम हो जाएगा। ऐसा हमने उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग किया। जैसे कि क्या है कि अगर आप अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी कि अगर आज पानी अगर क्या हुआ है, भाप बनकर गया हुआ है, तो इसको 100 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगेगा, ठंडा होने में इतना टाइम लगेगा और फिर नीचे आने में इतना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमने एक मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी कि इतने टाइम में जाएगा, इतने टाइम में आएगा, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहां से जमीन से जो है मान लो बादल की ऊंचाई 100 किलोमीटर है,
ठीक है, और भाप जो है मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, या 10 किलोमीटर आवर से जा रहा है, तो उसको वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा हमको पता चल जाएगा, फिर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ये पता चल जाएगा। तो हमने उसके लिए क्या किया, मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी। ठीक है, अब मैथमेटिकल मॉडलिंग जब हमने की, अब हमने उसका प्रिडिक्शन किया। देखो भाई, मैंने नेचर को स्टडी किया है, पानी को स्टडी किया है, ये भाप बन के इतने टाइम में ऊपर पहुंचा है, इतने टाइम में नीचे आना चाहिए। हमने प्रिडिक्शन कर दिया कि आज अगर भाप बन के गया है तो 3 दिन बाद जो है मेरे हिसाब से यहाँ बारिश होगी। ये हमारा क्या है, प्रिडिक्शन है, समझ में आया, हमने प्रिडिक्शन किया। अब 3 दिन बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारी मेहनत सही है कि गलत है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, साइंटिफिक मेथड में वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। या तो वो वेरीफाइड हो जाएगा या तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्सिफाइड हो जाएगा। अगर 3 दिन बाद अगर सही में अगर बारिश होती है तो हमारा पूरा का पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, और अगर बारिश नहीं होती है तो जरूर हमने किसी न किसी स्टेप में क्या किया है, कहीं पर कुछ ना कुछ गलती की है। तो वेरीफाइड होने से आपका काम खत्म हो गया, वो रूल बन गया। फॉल्सिफाइड होने से आप क्या करते हो, जैसे सांप सीढ़ी में 99 पर आने से सांप के मुंह में हम लोग पहुंच जाते हैं और डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, नीचे। तो उसी तरीके से अगर आपका स्टेप्स अगर फॉल्सिफाइड हुआ तो आप फिर से घूम कर कहाँ पहुंच जाओगे, पहले वाले स्टेप से आपको फिर से वही काम करना पड़ता है। और एक साइंटिस्ट जब ये करता है, कोई भी रूल बनाता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि एक ही बार में क्या हो जाए, उसका साइंटिफिक मेथड से जो है सारे स्टेप्स ट्रू हो जाए। उनको कई बार ट्राई करना पड़ता है, 100 बार, 200 बार, 300 बार, 500 बार, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, हर साइंटिस्ट क्या होता है, पागल होता है शुरू में, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक ही चीज को बार बार परफॉर्म करते रहता है। तो लोग समझते हैं ये पागल एक ही चीज के पीछे बार बार कर रहा है करके, लेकिन वो एक ही चीज करने के पीछे उसका रीजन क्या है, समझ में आया, वो जो चीज चाहता है उसको पा कर रहता है, ठीक है। तो ये है साइंटिफिक मेथड। इसी तरीके से रैम्बो क्यों बनता है, तो रैम्बो को हम लोग स्टडी करेंगे, फिर रैम्बो को हम लोग लैब में बनाकर देखेंगे। लैब में कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर जो है पानी का सोर्स लगाया और उसमें होल कर दिया, जिससे पानी जो है स्प्रिंग के फॉर्म में जो है आते रहे, मतलब बूंद बूंद के फॉर्म में आते रहे। पीछे हमने व्हाइट कलर का एक पर्दा लगा दिया और इधर से हमने लाइट डाला, क्योंकि हमने नेचर में देखा था कि लाइट होता है, सन का लाइट होता है और थोड़ी थोड़ी पानी गिरती रहती है और बादल में रेनबो दिखता है। तो ये सन का काम करेगा, ये पानी का काम करेगा और ये बादल का काम करेगा। जैसे ही हमने टॉर्च जलाया, हमने इस व्हाइट कलर पर देखा कि रेनबो वाकई में बनता है। तो इससे हमको समझ में आ गया कि जो चीज हम लोग नेचर में देख रहे हैं उसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हमने उसका कॉपी कर लिया, फिर उसका हमने क्या किया, तीसरे स्टेप में एनालिसिस किया। एनालिसिस हमने क्या किया कि सन के पानी के पास लाइट में कलर नहीं होता है, पानी जो पानी के पास जो है कोई 7 कलर नहीं होता है, कलर किसके पास होता है, लाइट के पास होता है। पानी सिर्फ क्या करता है, लाइट के पास जो 7 कलर है उसको अलग अलग तोड़ने का काम करता है। ये हमने उसका क्वालिटी देखा कि सन की क्वालिटी क्या है, कि सन के रेस में 7 कलर्स होते हैं, ये इसकी क्वालिटी है। क्वांटिटी में हमने क्या किया कि कितना लाइट पड़ने से और कितना पानी गिरने से रेनबो दिखता है, यह हमने कर लिया। फिर उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग की। मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या किया, अगर आपको रेनबो देखना है तो रेज जो है आपके आंखों पर जो है या तो 40 से 42 डिग्री के बीच में आना चाहिए या फिर 50 टू 53 डिग्री के बीच में जो है आना चाहिए। ये कंडीशन फिक्स्ड है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग है। अगर आपको रेनबो दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी रेनबो होता है और एक सेकेंडरी रेनबो होता है। अगर आप प्राइमरी रेनबो को देखना चाहते हो तो लाइट रेस आपके आंखों पर जो है इतना डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री जो है बनाना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर आपका आंख है, अगर आप देख रहे हो तो आपके आंखों में रे जो है वो इतना डिग्री 40 या 42 डिग्री पर जो है आना चाहिए, तभी आपको दिखेगा। ये इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग है। फिर आप प्रिडिक्शन कैसे करोगे, प्रिडिक्शन ये करोगे कि जैसे अभी बारिश हुई है, अभी छूटने वाली है, तो हो सकता है आपको रेनबो दिखेगा कल शाम को 4:20 में। आप प्रिडिक्शन करोगे कि बारिश इतना बजे खत्म हो जाएगा, सनलाइट निकलेगा, क्योंकि आपने नेचर का स्टडी किया है, और 4:20 में शाम को जो है रेनबो दिखेगा। तो प्रिडिक्शन हो गया, अगर दिखेगा तो वेरीफाइड, नहीं दिखेगा तो फॉल्सिफाइड। फिर से काम करो भाई, ठीक है। तो ये है हमारा साइंटिफिक मेथड। आप किसी भी चीज को इसी तरीके से क्या कर सकते हो, आप 6 स्टेप से जो है गुजार कर देख सकते हो। खुद कोशिश करना एक बार, जो भी चीज आप नेचर में देखते हो, क्या ये वाकई में, ये जो वाकई में जो है 6 स्टेप से गुजरा है कि नहीं,
खुद से एक बार करके देखना कि क्या वाकई में सर ने जो बोला 6 स्टेप वो हर चीज पर अप्लाई होता है या नहीं होता है करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक मेथड। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, ठीक है। साइंटिफिक मेथड के बाद जो हमको आगे पढ़ना है वो है फिजिक्स, तो हमने पढ़ लिया फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थ्रस्ट एरिया इन फिजिक्स, ठीक है। थ्रस्ट एरिया इन फिजिक्स, अब थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, थ्रस्ट का मतलब होता है जोर देना, ठीक है। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, जोर देना, किसी चीज पर जो है बल लगाना, किसी चीज पर जो है जोर देना, ठीक है। जैसे पुलिस क्या करती है, जोर से सच उगलवाने के लिए क्या करती है, उस पर थ्रस्ट लगाती है, उस पर प्रेशर डालती है, उस पर फोकस करती है, ठीक है। तो उसी तरीके से फिजिक्स में जो है हम लोग क्या करते हैं, हमको किन किन चीजों के बारे में जानना है उसके लिए हम लोग दो थ्रस्ट एरिया जो है चूज करते हैं। फिजिक्स हमेशा ये कोशिश करता है कि हमको कम से कम चीजें क्या हो, जानने को मिले, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा चीज होगा तो नॉलेज बड़ा हो जाएगा, नॉलेज बड़ा हो जाएगा तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, बड़ा लड्डू नहीं खा सकते, छोटा लड्डू खा सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने इसके लिए जो है थ्रस्ट एरिया जो है हमने चूज किया। तो याद रखना हमारा जो थ्रस्ट एरिया रहेगा थ्रू आउट द फिजिक्स, हमारा दो टारगेट रहेगा, एक तो यूनिफिकेशन का और दूसरा क्या रहेगा, रिडक्शन का। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या चाहते हैं, कम से कम चीजों में या कम से कम लॉ में जो है हर चीज को एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, समझ में आ गया। एक ही रूल से हम लोग सब चीज को एक्सप्लेन कर दे। जैसे हमने देखा कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, ओशन में टाइड्स आते हैं, क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, सन के चारों तरफ क्या होता है, प्लैनेट्स घूमते हैं, अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है, हम लोग अर्थ पर चल पाते हैं। तो ये सब क्या है, ऐसे बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, ठीक है, ये सब क्या है, फिनोमिना है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये सब फिनोमिनाज को हम लोग एक रूल से हम लोग एक्सप्लेन करें, तो उसके लिए हम लोग फिजिक्स में फिर साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे और हम लोग छोटा से छोटा जो है क्या करेंगे, रूल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमने 100 फिनोमिना देखा और 100 फिनोमिना का हमने स्टडी किया और हमको पता चल गया कि ये 100 के 100 फिनोमिना को हम लोग एक प्रिंसिपल से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो फिनोमिना क्या है और प्रिंसिपल क्या है। फिनोमिना क्या है, एक इंसिडेंट है जो होता है, जब बहुत सारे इंसिडेंट को अगर हम लोग एक रूल से अगर एक्सप्लेन कर देते हैं वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक प्रिंसिपल बनाया जिसका नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ही क्या होता है, पानी ऊपर से जो है नीचे आता है, क्योंकि पानी के पास भी मास होता है और अर्थ के पास भी मास होता है। तो ये पानी हमेशा कहाँ जाना चाहता है, अर्थ के सेंटर की तरफ जाना चाहता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन है, समझ में आ गया। सन के चारों तरफ प्लैनेट्स क्यों घूमते हैं, क्योंकि सन के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, इन दोनों में अट्रैक्शन है, इसी वजह से इसके चारों तरफ घूमता है, बाहर नहीं जा पाता इस फोर्स को तोड़कर, ठीक है। हम लोग जमीन पर चल पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास भी मास है, तो हमारे मास और अर्थ के मास में अट्रैक्शन होता है, इसीलिए चल पाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फिनोमिनास थे, ये सब के सब फिनोमिनास को हमने एक ग्रेविटी के लॉ से जो है हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ 100 फिनोमिनाज ही होते हैं, बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। तो हमने देखा कि 100 फिनोमिना को हमने क्या किया, एक रूल से एक्सप्लेन किया। तो देखो 100 के बजाय एक को पढ़ना अच्छा है कि नहीं, कहां 100 याद करते, उससे अच्छा एक ग्रेविटी का रूल याद कर लो और उनके बेसिस पर एक्सप्लेन कर दो। तो आप बोलोगे सर बाकी बचे उन फिनोमिनास का क्या, तो फिर हमने क्या किया, सिमिलर फिनोमिनास को फिर हमने उठाया और फिर हमने कोशिश की कि इन सब फिनोमिनास को हम लोग क्या कर सके, एक रूल के बेसिस पर जो हम लोग उसको क्या करें, एक्सप्लेन कर सके। जैसे हवा की स्पीड, बाइक की स्पीड, कार की स्पीड, इतना झटका क्यों लगता है, इतना चीजें क्यों होती हैं, उसके लिए हमने किसका स्टडी किया, फोर्सेस का हमने स्टडी किया, मोशन का हमने स्टडी किया। तो उसको हमने बाकी सारे कुछ फिनोमिनास को जो थे उसको फिर से हमने फोर्स के बेसिस पर, मोशन के बेसिस पर जो हमने क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। तो हमने 100-100 का, 200-200 का ग्रुप बनाया और उन सबको हमने एक एक प्रिंसिपल के बेसिस पर जो है एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। तो हुआ कि नहीं, यूनिफिकेशन, चीजों को जो है हमने क्या किया, यूनिफाइड किया, ताकि हम लोग कम से कम पढ़ना पड़े। हम हमेशा ये फिजिक्स में कोशिश करते हैं कि हमको हमेशा कम से कम चीजें जो है पढ़ने को मिले, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा रिडक्शन, ठीक है।
रिडक्शन क्या होता है, देखो रिडक्शन से नाम से ही समझ में आ, रिड्यूस करना, छोटा करना, ठीक है, मतलब चीजों को जो है कोई अगर प्रोसेस अगर हो रही है तो उसको इतना लंबा प्रोसीजर हमको नहीं बनाना है, हमको क्या करना है उसको रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाइड करना है, ठीक है, रिडक्शन करना है। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं कि पानी से जो है क्या होता है, वाटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनता है, ठीक है, वाटर से क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, बिल्कुल बनता है। अब मैं अगर आपको, कोई नया बच्चा है उसको मैं बोलूं कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तो वो पूछेगा सर पानी यहां, और पानी तो कम से कम हमको दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी को तो हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है। तो इस चीज को समझाने के लिए हम लोग इस पूरे प्रोसेस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में जो है उसको तोड़ेंगे। अब देखो इसी एग्जाम्पल को लेकर मैं समझाता हूं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर से जो है बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर को हम लोग किसमें डालते हैं, बॉयलर में, ठीक है। बॉयलर क्या होता है, बॉयलर एक कंटेनर होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बड़ा सा पानी का टंकी समझ लो। फिर बॉयलर को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसको हम लोग हीट किए, हीट करने से क्या हुआ, यहां पर जो है वेपर बना। ये जो वेपर है ये हाई स्पीड से आया और इस वेपर को हमने कहां छोड़ दिया, टरबाइन के सामने जो है हमने छोड़ दिया। अब टरबाइन क्या होता है, तो पंखा समझ लो अभी के लिए, पंखा। तो जब वेपर आएगा हाई स्पीड से तो ये ब्लेड्स को क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, तो टरबाइन से टकराया, टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो घूमने लगे, क्या हुआ, टरबाइन का ब्लेड घूमा। जब ब्लेड घूमा तो इस टरबाइन का कनेक्शन किससे है, जनरेटर से है। तो जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर भी क्या होगा, घूमेगा। और जनरेटर का प्रिंसिपल आप लोग अभी क्लास टेंथ में पढ़ चुके हो, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, उसका आर्मेचर जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ब्लेड के घूमने से जनरेटर घूमा, जनरेटर के घूमने से क्या हुआ, वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो गई। तो देखो पहले मैंने क्या बोला था, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, समझ में नहीं आया तो मैंने इसको रिड्यूस किया, छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करना स्टार्ट किया। वाटर लेंगे, बॉयलर में डालेंगे, बॉयलर को गर्म करेंगे, वेपर बनेगा, टरबाइन में जाएगा, ब्लेड घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बनेगी। तो हम लोग फिजिक्स को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते, इजी छोटे छोटे स्टेप्स में जो है हम लोग इसको समझना चाहते हैं, समझ में आया। तो पहला पार्ट क्या है, यूनिफिकेशन, बहुत सारे फिनोमिनास को एक पार्ट में एक्सप्लेन कर सके ये कोशिश करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में जो है क्या करें, तोड़ें, और उसके बाद हम लोग क्या करें, उसका स्टडी करें, समझ में आ गया। तो फिजिक्स का थ्रस्ट एरिया क्या है, हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये दोनों चीजें जो है क्या हों, यूनिफिकेशन और रिडक्शन का प्रिंसिपल हमारे साथ हमेशा चलता रहे, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। चलो बाकी जो है नेक्स्ट जो है आगे जितने भी हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा कि आप 11th में कैसे फिजिक्स पढ़ने वाले हो और क्या क्या चीजें जो है पढ़ने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, कुछ फॉरेनर साइंटिस्ट के बारे में, जिन्होंने फिजिक्स को जो है बनाने में अपना बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है दिया है, जैसे न्यूटन, आइंस्टीन, एस एन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, और उसके बाद जो है गैलीलियो, ठीक है, ये सब, इन सब साइंटिस्ट के बारे में जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको दे दूंगा, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है, बाय बाय।